हेलो गुड इवनिंग साथियों मैं प्रिंस राज आप सभी का एग्जामपुर फैमिली में स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों है ना हम एग्जामपुर क्लम से करानते तो राज रोहित किरण मनीषा आनंद राम अजय जितेंद्र रितु अभय ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे तो मेरे दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कल की क्लास में हम क्या सीख रहे थे कल की क्लास में हम लोग सेंटेंस रेजमेंट सीख रहे थे इससे पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर लाइक नहीं किया तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लेंगे है ना अगर आपने वीडियो को सर लाइक नहीं किया है अगर आप वीडियो को सर लाइक नहीं किए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लेंगे अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप शेयर कर लेंगे मेरे दोस्तों और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक है उसके बाद एप्स डाउनलोड जरूर करना ताकि सर सारे नोटिफिकेशन सारे क्या हो सर आपको पीडीएफ वहीं से मिल सके ठीक है थैंक यू सो मच लव यू गाइज ऑल ऑफ यू आकाश रेणु अंकित रोहित वर्मा जी ठीक है धर्मेंद्र ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग चलिए तो मैं क्लास को कंटिन्यू कर दाऊ कल हम लोग कहां थे कल की क्लास में हम सभी कहां थे मेरे दोस्तों कल की क्लास में हम लोग सेंटेंस अरेजमेंट को पढ़ रहे थे सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था जिसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गए थे बार बार क्या होता टेक्निकल ग्लिचिंग हो रहा था दैट इज मैं पूरे क्वेश्चन करा नहीं पाया था और आपको सेंटेंस रेजमेंट के क्वेश्चन रह चुके थे तो मैंने आपसे वादा किया था कि सेंटेंस रेजमेंट के को को कल कंप्लीट करेंगे है ना हर क्लियर करते हुए हर चीजों को सर क्लियर करते हुए हम क्या करेंगे क्वेश्चन आपको करवाएंगे ठीक है ऐसा मैंने आप सभी से वादा किया था तो उसी वादा को पूरा करने के लिए प्रिंस सर आप सभी के सामने है तो देखिए क्वेश्चन क्या था पहले एक बार देख लेते हैं जरा क्वेश्चन ऐसा कुछ था

ये सारे क्या है सर ए बी सी डी ई एफ और आपसे क्वेश्चन पूछा गया एफ में पूछा गया कि भाई बताओ कि सेंटेंस का सर फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा क्या एफ होगा क्या डी होगा क्या ए होगा क्या सी होगा या फिर ई e होगा ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था शायद आप सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से सीख रहे थे और मैंने कहा था मैंने कल ही आपसे प्रॉमिस किया था कि इसके लिए मैं डिजिटल बोर्ड का यूज करूंगा और डिजिटल बोर्ड का मैंने भी यूज किया आप सभी को सर समझाने के लिए ठीक है तो राज जी यहां तक तो आपने सर क्लियर कर लिया था अब इसके सर कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट इसके बाद हम सभी सीखेंगे कि सर इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए आगे देखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है यह समझना कॉन्सेप्ट भी है मेरे दोस्त और ट्रिक भी है आप जो बोल सकते हैं यह समझ लीजिए आप कॉन्सेप्ट भी है और यह कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को ट्रिक सर यह है सॉल्व करने का हम क्या कर सकते हैं हम उस ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आइए मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा था याद कीजिए याद कीजिए मैंने सबसे पहले आप सभी को यह कहा था मेरे दोस्तों कि अगर आपको सेंटेंस रेजमेंट बताना है ना बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं राधिका शर्मा है ना देव यादव कोई बात नहीं है पहले हम लोग क्या सीख लेते हैं हम कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं और ट्रिक भी सीख लेते हैं इसके बाद हम सर क्वेश्चन के पास पहुंचेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक सीखते हैं देखो सबसे पहली, मेरे दोस्त आपको कभी भी कोई पैसेज मिल जाए मान लीजिए ए बी सी डी ई e, और एफ आपको सर ये पैराग्राफ आपको मिल गए आप सभी से बोला गया आप सभी से बोला गया कि बताइए क्या फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा देखो सबसे पहली बात में आप सभी से देखो विनती कर रहा हूं विनती क्या कर रहा हूं थोड़े कॉन्सेप्ट हैं, दिमाग लगाना है दिमाग को चलाना है तभी इस कॉन्सेप्ट को सीख पाओगे ऐसे सोचोगे कि यार आए हैं और बहुत जल्दी कुछ मिल जाए और भाग जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त ठीक है देखो अगर बैंक के एग्जाम को अच्छा करना चाहते हो तुम चाहते हो कि मुझे क्या हो सर पंद्रह से से आ जाए तो देखो थोड़ा से जोर लगाना पड़ेगा आप सभी का साथ होना चाहिए क्योंकि मैं इस चीज को सिर्फ नहीं कर सकता मैं कितना अच्छा भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दू अगर आप इसे पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो मैं उस लेवल तक आपको नहीं ले जा पाऊंगा ठीक है आइए मैं इसे समझाता हूं तो देखिए मैं अभी आपको जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो आपके सर ज्यादा मैसेज को नहीं पढ़ पाऊंगा है ना इसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांग रहा हूं लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट बढ़ियाप्ट क्या है यह समझना मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट पूछा गया कि हमें सर यह सारे सेंटेंस में ए बी सी डी ई एफ देखते ही क्वेश्चन को लगता है कि सर कैसे बनाए तो पहला क्वेश्चन होता है सर इसमें से पहला सेंटेंस कैसे ढूंढा जाए फर्स्ट सेंटेंस कैसे ढूंढा जाए यह कहा था सर अब आइए जरा एक बच्चा बोल रहा है सर तुक्का मार लीजिए तुक्का कितना दिन मारोगे मेरे दोस्त तुक्का कितना दिन मारोगे आप यह समझ लो अब जब हमें फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना है तो क्या करना है फर्स्ट सेंटेंस के लिए यह समझ लीजिए फर्स्ट सेंटेंस जो होगा मेरे दोस्त उस सेंटेंस को क्या होना चाहिए उस सेंटेंस को इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा कैसा सेंटेंस होना चाहिए इंडिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए कैसा सेंटेंस होना चाहिए मेरे दोस्त तो फर्स्ट सेंटेंस को इंडिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा यार इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोलते किसको हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोलते किसको हैं अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप सभी से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि अगर आप किसी सेंटेंस में अगर आप किसी सेंटेंस में एक यूज किए हैं एक प्रोनाउन यूज किए हैं तो क्या लगता है कि उस सेंटेंस में वह सेंटेंस अगर किसी सेंटेंस में आपने यूज किया है मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ में किसी सेंटेंस में एक प्रोनाउन यूज किया गया है तो आप सभी को क्या लगता है क्या प्रोनान यूज किए गए सेंटेंस क्या वो फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है तो नहीं मेरे दोस्तों वह फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता क्यों हैं हमने के बारे में आपको पढ़ाया था आपने पढ़ा भी होगा कहीं कि इज मतलब 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 कि अ किसी में अगर हम प्रन यूज करते हैं तो प्रोणन तो तब यूज किया जाएगा किसी कहानी में प्रोनौन तब यूज किया जाएगा किसी पैसेज में तब यूज किया जाएगा जब उसके पहले एक नॉन यूज किया गया होगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी सेंटेंस में प्रेनोन देख रहे हैं अगर हम किसी सेंटेंस में प्रनोन देख रहे हैं तो क्या वो फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है तो आप कहोगे सर वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता नो no. क्यों? क्योंकि इसके पहले क्या आना चाहिए एक नॉन आना चाहिए क्या चाहिए? आना चाहिए नॉन आना चाहिए कॉन्सेप्ट को समझना मेरे दोस्तों आगे समझिए मेरे दोस्तों आ, नयान जी हेलो है ना अब आगे समझना मेरे दोस्तों जैसे क्वेश्चन को समझिए आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए यहां पे क्वेश्चन है प्रणौन समझते हो आप सभी प्रणौन क्या क्या वर्ड हो सकते हैं ये थोड़ा सा एक बार देख लेता हूं प्रणौन क्या क्या हो सकते हैं जैसे ही हम ही लिखने से पहले हम ये लिखना पसंद करेंगे कि वो व्यक्ति क्या कौन था वह व्यक्ति कौन था अगर मान लीजिए पहले राम है किसी सेंटेंस में राम यूज किया गया है और किसी सेंटेंस में ही यूज किया गया है मान लीजिए ए है बी है सी है और डी है अब हमें क्या देखें हमने बी पार्ट में देखा राम और ए पार्ट में क्या देखा ही तो तुम्हें क्या लगता है कि पहले ये सेंटेंस आना चाहिए या पहले ये सेंटेंस आना चाहिए तो आप ये कहोगे सर पहले तो राम आना चाहिए तब तो उसके बदले ही आएगा इसका मतलब यह हुआ कि जिस सेंटेंस में मुझे ही दिख जाए वह प्रथम सेंटेंस नहीं हो सकता वह फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता इतने कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होने चाहिए यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे दोस्तों आप जल्दी से मुझे आंसर करके बताएंगे यह बात समझ में आया कि जिस सेंटेंस में प्रनोन यूज किया गया है ठीक है वह सेंटेंस प्रथम सेंटेंस नहीं हो सकता वह सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता अब क्यों नहीं हो सकता क्योंकि वह प्रोनाउन अगर किसी सेंटेंस में यूज किया गया है तो उसके पहले कोई ना कोई नॉन जरूर आया होगा तो वह नॉन प्रथम सेंटेंस हो सकता है लेकिन वह सेंटेंस प्रथम नहीं हो सकता और इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या बोलेंगे इसे इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोलेंगे यहां तक किसी को यह बात समझ में आया मेरे दोस्तों सुनीता रंजन बोले बढ़िया खूबसूरत ना प्रजापति जी थैंक यू मेरे दोस्त थैंक यू मोस्ट वेलकम राधिका बोल समझ में आ गया अलका प, जी बोल रही यस समझ में आ गया राजेश बोल रहे सर क्लियर बोले है, भाई, क्लियर सचिन बोल रहे भाई बढ़िया खूबसूरत आइए समझते हैं मेरे दोस्तों अब एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा आइए इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले एक एक चीजों को समझना ए पार्ट में देखिए बी में लिखा हुआ है बी में यहां पे देखिए समझिएगा एक बात को समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों बी में देख टीचर कैन एक्ट द डाउनलोड डाटा रेदर देन कलेक्ट इट आइए यहां पे समझिए आप देखिए इस पार्ट में देखना यहां पे क्या यूज किया गया है दे यूज किया गया है क्या यूज किया गया है दे यूज किया गया है आइए एक बात और समझिए मेरे दोस्त अगर इस सेंटेंस में दे यूज किया गया है तो क्या यह प्रथम सेंटेंस हो सकता है नहीं हो सकता आइए यहां पर आप देख पा रहे होंगे दिस डिजायर क्या बोल रहा है दिस डिजायर और फिर यहां पर क्या यूज किया गया दे यूज किया गया आप देखना आप सभी देखना मेरे दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूं क्या बोल रहा हूं यहां पर देखिए इस सेंटेंस में दे यूज किया गया है यहां पर क्या यूज किया गया है दिस यूज किया गया है और यहां पर क्या यूज किया गया है दे यूज किया गया अब आपसे मैं पूछू क्या हमारा डी जो है फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है क्या ई जो है फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है ऑप्शन में देखिए डी भी लिखा हुआ है ऑप्शन में क्या है ई भी है ऑप्शन में देखिए डी भी ऑप्शन में है क्या ऑप्शन है ऑप्शन है अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या डी जो है हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है मेरे भाई ध्यान देना मैं जो समझा रहा हूं इस बात को थोड़े से सर कॉन्सेप्टअली समझने की कोशिश करना और इतने मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आपको बहुत बढ़िया लगेगा बहुत मतलब कहोगे यार ये पहली बार सिख रहा हूं सर मुझे बताइए अगर ये दे सेंटेंस में यूज किया गया दिस यहां पे सेंटेंस यूज किया गया अगर मैं यहां पे दे यूज कर रहा हूं आप सभी से मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी जवाब देना मेरे दोस्तों कि अगर मैं कहूं ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है आप सभी को क्या लगता है कि ये फर्स्ट सेंटेंस होगा डू इट फास्ट जल्दी से मुझे रिप्लाई चाहिए मेरे दोस्तों जल्दी से आप सभी का रिप्लाई चाहिए पंकज जी आईबीपीएस की ऑनलाइन ही रही हो रही है सर सारे फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं श्रुति कुमारी बोल रही है नो बढ़िया श्रुति जी अब बोल रहा है नहीं बहुत अच्छा अग्निहोत्री नो अब आइए इसका मतलब ये दे जिसके लिए यूज किया होगा अगर मान लीजिए दे किसी नॉन के लिए यूज किया गया होगा तो वो नॉन कैसा होना चाहिए वो नॉन प्लुरल होना चाहिए और अगर प्लुरल होना चाहिए इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों ये दे तब आएगा जब इसके पहले वाला कोई नॉन आ जाए मान लीजिए वह दे किसके लिए आया होगा किसी हो सकता है किसी बॉयज के लिए आया होगा गर्ल्स के लिए आया होगा तो बॉयज पहले आएगा तब तो दे आएगा पहले पहले तो बॉयज आएगा तब तो क्या आएगा दे आएगा या हो सकता है कि कोई कोई ना कोई तो ऐसा पर्सन होगा आइए इस बात को समझने की कोशिश करिएगा और ध्यान देना मेरे दोस्तों यहां पे लिखा हुआ दिस डिजायर क्या लिखा हुआ है ध्यान देना यहां पे लिखा हुआ है डिस डिजायर विथ दिस डिजायर विथ दिस डिजायर का मतलब क्या हुआ इस डिजायर के साथ इस डिजायर के साथ और डिजायर का मतलब क्या होता है इच्छा इस इच्छा के साथ अब इस इच्छा का साथ मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ इच्छा है जिसको पहले से क्या किया गया होगा डिस्क्राइब किया गया होगा देखो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना मैंने कहा था मैंने कहा था आप सभी का मुझे साथ चाहिए साथ कैसे दोगे ठहर कर मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर करना इतना आसान नहीं है हां लेकिन अगर आप दस दिन कर लिए पंद्रह दिन कर लिए आपके एग्जाम में बहुत समय है आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम में बहुत समय है मेरे दोस्त अगर 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिया आप कंट्रोल आपको कहने का मतलब है सर ये पांच क्वेश्चन आप 100 परसेंट करके आओगे और कुछ भी नहीं है आपको कुछ ज्यादा डरने की जरूरत नहीं कुछ वर्ड को देखना है सिर्फ कुछ शब्दों को देखना है वो कुछ शब्द अगर आप देख लिए आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा अब पंकज जी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे फॉर्म कैसे भरे एक बार तुम सर्च कर लेना आईबीपीएस का फॉर्म कैसे भरे बहुत सारे हजारों वीडियो मिल जाएंगे अब हम भी फॉर्म भरने के लिए हम ही बताएंगे पढ़ने के लिए हम ही बताएंगे क्वेश्चन हम ही करवाएंगे कॉन्सेप्ट हम ही सिखाएंगे वॉट इज पॉसिबल सर ये ये क्लास नंबर नाइन है कोई भी बच्चा पूछ रहा है क्लास नंबर नाइन तो कह रहा है दिस दे क्रिएटेड अ सॉल्यूशन अब भाई पहले तो कह रहा है दे डिजायर भाई कुछ तो डिजायर होगा जो सेंटेंस में कहीं ना कहीं मेंशन किया गया होगा कुछ इच्छा की बात की गई होगी इसका मतलब वह इच्छा इस ई सेंटेंस के पहले रहा होगा इसका मतलब तो पक्का हो गया ना मेरे भाई कि ई के पहले कोई और सेंटेंस होगा ई के पहले कोई और सेंटेंस होगा आइए बात समझना यहां पे डी में देखिए आप डी के पहले भी कोई ना कोई और सेंटेंस होना चाहिए क्योंकि दे लिख रहा है तो इसके पहले कोई ना कोई नॉन होना चाहिए कुछ समझ में आ गया ऑप्शन में देखना डी भी ऑप्शन में ऑप्शन में ई भी है ऑप्शन में ऑप्शन में डी भी है और ऑप्शन में, उप्षर्म में, और में क्या है मेरे दोस्तों ई भी है अब आपसे पूछूंगा क्या डी आंसर हो सकता है आपसे मैं पूछूंगा क्या डी आंसर हो सकता है तो कहोगे नहीं क्यों नहीं हो सकता क्योंकि इसके पहले कोई ना कोई सेंटेंस चाहिए तो यह फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है क्या तो नहीं हो सकता ई के पहले भी कोई ना कोई, कोई और सेंटेंस होना चाहिए क्यों पहला रीजन तो यहां पर दे यूज किया गया है दूसरा रीजन यहां डिजायर दिस डिजायर का मतलब क्या हुआ कि इसके पहले कोई ना कोई ऐसा डिजायर जरूर होगा जिसके बारे में चर्चा किया गया हो सर इस पैसेज में इस कहानी में इस स्टोरी में तो यह दिस डिजायर भी क्या हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता मतलब हमें डी के पहले भी कोई सेंटेंस चाहिए ई e के पहले भी कोई सेंटेंस चाहिए आइए इसका मतलब हमने दो ऑप्शन इलिमिनेट कर दिया कौन कौन ऑप्शन हमने कर दिया मेरे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहां पे ऑप्शन डी लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे यहां पे डी ऑप्शन है यहां पे ई e ऑप्शन है अगर आप तुक्का भी मारना चाहोगे अब अब तुक्का भी मारना चाहोगे मान लीजिए अब जय माता दी मान आपके पास टाइम नहीं है जय माता भी मारने चाहोगे मेरे दोस्त इतना सिर्फ दो वर्ड को देखकर आप इतना तो कह दोगे या तो एफ आंसर होगा या तो ए आंसर होगा या तो सी होगा भाई डी और ई e तो नहीं होने वाला है लेकिन आपको यह भी बताऊंगा कि क्या अब डी कैसे इलिमिनेट होगा ए कैसे इलिमिनेट होगा या सी कैसे होगा अब इन तीनों में से आंसर क्या होगा यह भी ये मैं आपको बतलाऊंगा इज इट क्लियर यहां तक यह बात क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है मुझे बताइए मेरे दोस्तों यहां तक यह बात आप सभी को क्लियर है या नहीं है डू इट फास्ट जल्दी से मुझे आप सभी रिप्लाई देंगे भाई इससे ज्यादा मैं ज़ूम नहीं कर सकता इससे ज्यादा मैं ज़ूम नहीं कर सकता मेरे दोस्त जल्दी से मुझे बताइए कि सर यहां तक सब, सब सब बच्चों को समझ में आ गया राधिका जी आनंद बढ़िया प्रिंसी गुप्ता अलका अलका जी थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना मैं कोशिश तो नहीं कर सकता मतलब क्या मैं बोलूं चलो एक बार कोशिश करके देखता हूं थोड़े से और बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं मैं पर शायद देखो अब बड़ा तो कर दूंगा पर वो चीज दिखेगा नहीं आपको सर चलो देखो फर्स्ट सेंटेंस तो इतना ढूंढना है कि फर्स्ट सेंटेंस है ये क्वेश्चन में है ये मैं हटा दूं तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार इससे ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता मेरे भाई देखिए ये समझ में आ रहा है मेरे दोस्त इतना से ज्यादा मैं नहीं कर सकता आई कैन डू फर्दर <laughs> ध्यान देना मेरे दोस्तों तो यहां तक क्या हो सर यह बात समझ में आ गया क्लियर है अब यहां तक समझ में आ गया सर दो बातें तो समझ में आ गया कि भाई डी आंसर नहीं होने वाला है और ना ही ई आंसर होने वाला है हमने दो ऑप्शन को इलिमिनेट कर दिया लेकिन क्या आंसर हो गया आप अब देखो ऑप्शन में देखना ऑप्शन में देखिए अच्छा आपसे मैं पूछूं आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों आप सभी जवाब देना और जल्दी से जवाब देना क्या जवाब देना मैं पूछना चाह रहा हूं और आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर लिखा हुआ देन क्या लिखा हुआ है यहां पे लिखा हुआ मेरे दोस्त देन लिखा हुआ है ध्यान देना यहां पे क्या लिखा हुआ है टी एच ई एन देन आप सभी को क्या लगता है क्या बी जो है फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है क्या आप सभी को क्या लगता है कि टी एच ई एन लिखा हुआ बी पार्ट में आप सभी को सर क्या यह फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है क्या आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं इट फास्ट माई फ्रेंड्स यहां पर देन लिखा हुआ टी एच ई एन आप सभी से पूछ रहा हूं क्या यह फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है क्या इट फास्ट जल्दी से मुझे बताएंगे देखिए यहां पे मेरे दोस्तों क्या ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है देन से यहां पे स्टार्ट किया गया है बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं नो अब ये बात समझिए क्यों हमने कहा अब कोई कहानी तुमने सुना होगा अच्छा किसी कहानी के स्टार्टिंग अब से हो सकता है क्या अच्छा देन का मतलब होता है उसके बाद देन का मतलब क्या होता है उसके बाद अरे मेरे भाई देन का मतलब उसके बाद अब किसी कहानी के स्टार्टिंग क्या देन से हो सकता है क्या नहीं क्यों नहीं हो सकता क्योंकि देन तो ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस के बीच में आता है किसी कहानी के बाद में आता है जैसे मान लीजिए एक राजा था उसके बाद एक रानी थी उसके बाद उसके चार बच्चे थे मतलब भाई उसके बाद तब बोलोगे जब क्या वो के वो सेंटेंस मिडिल पार्ट में आएगा जब वो मिडिल पार्ट में आएगा इसका मतलब फर्स्ट सेंटेंस ये भी नहीं हो सकता मतलब बी भी, भी चला गया आई अब सी पार्ट में देखिए सी पार्ट में देखिए सी में क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त ध्यान देना सी में क्या लिखा हुआ है ऑप्शन पहले आप देख लीजिए क्या डी ऑप्शन में था आप सभी के लिए यार इतना सारा कर रहा हूं तो देखिए आपको मैंने पहले इलिमिनेट कर दिया था कौन कौन ऑप्शन डी ऑप्शन इलिमिट कर दिया था हमने ई ऑप्शन लिमिट कर दिया अब देखिए जरा सी पार्ट में देखिए सी पार्ट में देखिए सी पार्ट में देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा है ना ऑप्शन दिख रहा है सी पार्ट दिख रहा है एजुकेटर क्या हो सर डिसाइडेड द ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स ऑल एलमनी ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेन दे फाउंडेड क्या लिखा हुआ यहां पे क्या यहां पे वर्ड है मेरे दोस्त ध्यान देना यहां पे क्या लिखा हुआ है उस वर्ड को ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहां पे लिखा हुआ है? दे और ऑप्शन में यहां पर क्या है सर सी ऑप्शन में क्या है यहां पे सी अब बताओ क्या तुम बोलोगे कि सी आंसर होगा क्या ए आंसर होगा ई e आंसर होगा क्या डी आंसर होगा तो नहीं सर अब देखो अब तुक्का भी मारना चाहेंगे तो हमारा सही होने का फिफ्टी फिफ्टी प्रोबेबिलिटी है फिफ्टी फिफ्टी चांस है या तो ए आंसर या तो ई सी आंसर अब देखते हैं थोड़ा सा एक बार ए को ए पार्ट को भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिए मेरे दोस्तों ए पार्ट में क्या कह रहा है सबसे पहले आप एफ पढ़िए एफ में क्या लिखा हुआ है ए मैकेनिकल वर्क ऑन मोटर एंड अकाउंटेड क्या लिखा हुआ है ए मैकेनिकल वर्क ऑन मोटर एंड अकाउंटेंट हैज हिज कंप्यूटर लाइक वाइस ईफ स्टूडेंट हैज टू वर्क ऑन अ मशीन ऑफ डिवाइस वाट शुड इट बी कॉल्ड आप देखो सबसे बड़ी बात समझना देखो आज जो मैं सिखाऊंगा उसे दम एक बात को नोट कर लेना और अच्छे से सर दिमाग में रखना जिंदगी भर काम आएगा कैसे काम आएगा यह समझ लो देखो मेरे दोस्तों इसके बाद मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप सभी को क्या बताना चाहूंगा आईएस बोर्ड पे आईए बोर्ड पे उसके बाद मैं आपको सिखाना चाहूंगा आपने सुनो एक बात समझना एक बात समझना मेरे दोस्तों आप सभी से मैं एक चीज करना चाहता हूं आप जब भी किसी सेंटेंस को तुम पढ़ते हो एक क्या होता है एक सेंटेंस ऐसे होते हैं एक पैसेज आपको ऐसा मिलेगा कि सबसे पहले उस पैसेज में एक क्वेश्चन किया जाएगा क्या किया जाएगा क्वेश्चन किया जाएगा और क्वेश्चन के बाद उसका आंसर किया जाएगा क्या किया जाए मेरे दोस्त उसका आंसर किया जाएगा तो इसको बोलते हैं इस पार्ट को क्वेश्चन और आंसर वाले पार्ट को जो क्या होते हैं क्वेश्चन और आंसर के जो पार्ट होते हैं और उस प्रकार के जो सेंटेंस रिअरेंजमेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वेश्चन आंसरिंग है ना क्यूए पार्ट ऑफ या तो जंबलिंग बोल सकते हैं देखो क्या होता है पहले किसी भी सेंटेंस में देखो आप समझना सबसे पहले आपको क्या लगता है कि एक क्वेश्चन होना चाहिए कि पहले आंसर होना चाहिए मैं पहले क्वेश्चन पूछूंगा ना तब तो आप बोलोगे जैसे मैंने पूछा कि भाई क्या आप सभी को समझ में आया तो आप बोलोगे या तो यस बोलोगे या तो नो बोलोगे या तो क्या बोलोगे या तो यस बोलोगे या तो नो बोलोगे अब इस बात को समझिए तो पहले क्या किया जाएगा पहले तो क्वेश्चन किया जाएगा उसके बाद क्या किया जाएगा उसका आंसर किया जाएगा तो अगर कभी भी क्वेश्चन और आंसर साथ में आए तो क्वेश्चन पहले होगा और आंसर क्या होगा क्या होगा बताइए मेरे दोस्तों आप सभी अगर कभी भी क्वेश्चन और आंसर एक पैसेज में तुझे मिले तो क्वेश्चन की संख्या कहां होना चाहिए आंसर के पहले की आंसर के बाद अब आपको यह दिमाग काम कर रहा होगा कि जब भी क्वेश्चन आंसर की बात की जाए तो पहले कौन आएगा क्वेश्चन आएगा तब कौन आएगा आंसर आएगा ऐसा कभी हो सकता है कि आंसर पहले आ जाए तब क्वेश्चन आएगा ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता और देखिए जब आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़ते तो शायद ये जो क्वेश्चन किया गया था एक क्वेश्चन किया गया था और उसी क्वेश्चन का आंसर सारे सेंटेंस में लिखा हुआ था उसी क्वेश्चन का आंसर सारे सेंटेंस में लिखा हुआ था एक सेंटेंस का जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया कि व्हाट इज टेक्नोलॉजी व्हाट इज टेक्नोलॉजी अब तुमने क्या हुआ टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना शुरू कर दिया तो टेक्नोलॉजी के बारे में आपने पांच सात लाइन लिखा तो सबसे पहले क्या होना चाहिए अगर कभी भी क्वेश्चन और आंसर का पार्ट मिल जाए तो सबसे पहले क्या होगा क्वेश्चन होगा उसके बाद क्या हुआ उसका आंसर होगा अब आंसर का भी एक सीक्वेंस होगा आंसर का भी क्या होगा मेरे दोस्त एक सीक्वेंस होगा अब ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है इज इट क्लियर माई फ्रेंड्स अरे राम कुमार पटना थैंक यू मेरे दोस्त मेरे भाई देखना यहां पे समझने की कोशिश करना मैंने आपसे क्या बोला देखो तो कॉन्सेप्ट है लाजवाब कॉन्सेप्ट है इतना गारंटी के साथ बोल रहा तो हूं देखो सीखने में थोड़ा समय लगेगा मैं जानता हूं कि कठिन रास्ते क्या होते हैं हमेशा मुश्किल भरा होता है कांटों से भरा होता है लेकिन जिस दिन आप उस रास्ते को पार कर जाओगे ना गारंटी के साथ बोलता हूं सफलता बड़ी मिलेगी ना सफलता तुझे बड़ी मिलेगी और अगर आपको लगता है कि ये चीजें बहुत मुश्किल है इसे हम पार नहीं कर सकते तो जिंदगी में कभी भी तुम पार नहीं कर सकते है ना क्योंकि तुम अपना आईना खुद बदल सकते हो दुनिया में कोई इंसान तुम्हारे आईने नहीं बदल सकते इज इट क्लियर माई फ्रेंड्स तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा अरे यार ये तो बात सही बोल रहे हैं सर जी एक कभी भी पहले क्वेश्चन किया जाएगा ना तब ना क्वेश्चन के बाद आंसर किया जाएगा इससे पहले मान लो राम और लक्ष्मण की आपने कहानी पढ़े हो रामायण पढ़ा होगा अब राम लक्ष्मण से क्वेश्चन पूछते हैं ना राम लक्ष्मण से क्वेश्चन पूछते हैं कि अहो अहो राम राम मतलब मान लीजिए क्या क्या हो रहा है सीता सीता कहां कहां गई अब क्या हो सर? कहां गई अब सर मैया तो भाई अब उसका क्या हो सर लक्ष्मण उसका आंसर करेंगे ढूंढेंगे तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि पहले क्वेश्चन तब आंसर अब आइए इस पार्ट में देखो तो मेरा सिखाने का देखो तो एक, -एक मकसद जो है मेरे भाई एकदम बेसिक से ही क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो सके आंसर जो ना भाई कॉन्सेप्ट तगड़ा है क्वेश्चन का कोई भी क्या हो सर झंझट नहीं होना चाहिए कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए मेरे दोस्त रोहित बाबू जी आईबीपीएस की बहुत अच्छे क्लास चल रही है सारे क्लास चल रहे हैं मैथ के भी क्लास चल रहे हैं है ना रीजनिंग की भी क्लास चल रहे है। मैथ इंग्लिश की क्लास तो मैं ले ही रहा हूं आइए क्वेश्चन के पास आइए मेरे दोस्त ध्यान देना अब यहां पे ध्यान देना आप एफ पार्ट में पढ़िए क्या पूछा जा रहा है एफ पार्ट में देखिए वाट सुड एम सॉरी क्या लिखा हुआ मेरे दोस्तों एफ पार्ट में लिखा हुआ वाट सुड इट बी कॉल्ड वाट सुड इट बी कॉल्ड अच्छा एक बात और समझना एक बात और क्या हुआ दे, ध्यान देना क्या ध्यान दे रहा है मेरे दोस्तों? सुनना मेरे भाई ध्यान से. क्या ध्यान दे रहा है कि पता है अगर ये फर्स्ट सेंटेंस होगा मान लीजिए क्यों ए फर्स्ट सेंटेंस होगा इतना तो हो कॉन्सेप्ट तो पता चल रहा होगा अब देखो तुमसे पूछेगा कोई पूछ दिया अगर मान लीजिए अगला क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई सेकंड सेंटेंस क्या होगा आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि सेकेंड सेंटेंस क्या होगा तो अब तुम्हें एक बार दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा क्या स्ट्राइक कर रहा होगा कि एफ को एफ में क्वेश्चन पूछा गया है एफ में क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर जहां मिल जाए जिस पार्ट में मिल जाए कहां मिल सकता है या तो मिल सकता है ई में या तो मिल सकता है डी में या तो मिल सकता है सी में या तो मिल, तो मिल सकता है बी में या तो मिल सकता है ए में एम आई राइट और रॉन्ग एम आई राइट या रॉन्ग तो या तो कहा मिल सकता है मेरे दोस्त या तो इसका आंसर तुम ढूंढो एफ में जो क्वेश्चन किया गया उसका आंसर किसी न किसी पार्ट में मिलेगा या तो ई में मिलेगा या तो डी में मिलेगा या तो सी में मिलेगा या तो बी में मिलेगा या तो ए में मिलेगा और जहां मिलेगा वो क्या होगा वह सेंटेंस होगा दूसरा सेंटेंस अगर यह फर्स्ट वाले सेंटेंस है तो इसके पहले वाला सेंटेंस क्या होगा इसके बाद वाले सेंटेंस कौन होगा मेरे भाई इसके तुरंत बाद वाले सेंटेंस क्या होंगे सेकेंड सेंटेंस होंगे ये बात समझ में आ गया ये बात समझ में आया मेरे दोस्तों वेदांति तिवारी जी थैंक यू सो मच यहां तक यह बात समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों कि क्वेश्चन अगर किया गया है इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर एग्जैक्ट जो कुछ पूछा गया उसके संदर्भ में आंसर जो कुछ पूछा जाएगा इसके तुरंत बाद जो आंसर दिया जाएगा यही क्या होगा हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा अब इस बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है थोड़े से क्वेश्चन को मैं छोटा करता हूं ताकि आपको सर क्वेश्चन पूरा दिख सके यार मेरे दोस्त ध्यान देना यार देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना शायद थोड़ा सा दिमाग लगाना मेरे दोस्त करा ए ग्रुप ऑफ ए ग्रुप डिजायर्ड टू इनहसड ए ग्रुप डिजायर्ड टू इनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस इन अ स्कूल विथ अ विथ एन इन एक्टिव डिजिटल मीडियम दैट कुड बी यूजीन एंड आउटसाइड द क्लासरूम लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्वेश्चन हमारे एफ पार्ट में थे क्वेश्चन कहां था मेरे दोस्त इस एफ पार्ट में क्वेश्चन था इस एफ पार्ट में क्या था हमारा क्वेश्चन था कि ए मैकेनिकल वर्क ऑन मोटर एंड अकाउंटेंट हैज हिज कंप्यूटर लाइकवाइज इफ अ स्टूडेंट हैज टू वर्क ऑन अ मशीन ऑफ डिवाइस वट शुड इट बी कॉल्ड उसे क्या कहा जाएगा क्या क्वेश्चन है अगर एक स्टूडेंट को कहा काम करना हो मशीन के डिवाइस पे काम करना हो तो उसे क्या कहेंगे अब उसे क्या कहेंगे आप जल्दी से इसका आंसर ढूंढ के मुझे बताओ इसका आंसर मुझे जल्दी जितना जल्दी हो सके मेरे दोस्त आप मुझे इसका आंसर बताओगे कि यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट सुड इट बी कॉल्ड तो अब बताइए आपको इतना तो पता चल गया फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या होने वाला है फर्स्ट सेंटेंस हमारा एफ होने वाला है पंकज यादव जी, जी बेचारे परेशान है फॉर्म के लिए उनको बता दिया यार आप जाओ एक बार YouTube पे सर्च करो कि फॉर्म कैसे भरें हजार लोग मिल जाएंगे आपको बताने वाले इज इट क्लियर माई फ्रेंड्स यहां तक ये यह बात क्लियर हो गया इट फास्ट आंसर क्या हो गया आंसर ए पार्ट हो गया एफ जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा अब आप मुझे जल्दी से बतलाएंगे एफ हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया अब आपसे पूछ रहा हूं कि एफ के बाद क्या होगा जैसे एक क्वेश्चन और है ध्यान देना मैं क्वेश्चन के पास आपको लेकर जा रहा हूं यह क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जल्दी से आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और आपसे क्या पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस शुड बी थर्ड आफ्टर रीअरेंजमेंट पहला क्या पूछा था आपसे पहला पूछा था मेरे दोस्त पहला क्या पूछा था पहला सेंटेंस आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट सेंटेंस कौन होगा तो फर्स्ट सेंटेंस कौन हुआ आप देख लीजिए एफ जो हुआ हुआ फर्स्ट सेंटेंस अब तुमसे पूछ रहा है क्या सेकेंड नहीं पूछ रहा है आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बताओ थर्ड सेंटेंस होगा यहां पे जो थर्ड सेंटेंस होगा वो कौन होगा देखो थर्ड हम कब पता कर पाएंगे हम थर्ड कब पता करेंगे जब हमें क्या पता हो सेकंड पता हो हमें क्या पता हो सेकंड पता हो तब तो हम थर्ड पता कर पाएंगे अन्यथा हम सेकंड भी पता नहीं कर पाएंगे तो हम थर्ड भी पता नहीं कर पाएंगे कोई दिक्कत है मेरे दोस्तों यहां तक जल्दी से मुझे बताइए कि सी पार्ट में क्या आंसर हो सकता है सी पार्ट में क्या हो सकता है डो इट फास्ट जल्दी से मुझे बताइए सर सी पार्ट में क्या आंसर होगा पहले बी पता करोगे तब सी पता चलेगा पहले क्या करोगे आप बी पार्ट पता करो कि बी पार्ट कौन सा होगा आंसर बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं सर कि एफ होगा कुछ बच्चे इसका आंसर सी कर रहे हैं कुछ बच्चे इसका आंसर ई कर रहे हैं एक बार और देखता हूं मैं जड़ा सभी का दिमाग चेक करता हूं जड़ा अब आप देखना क्या क्वेश्चन कैसे पहले क्वेश्चन का सीक्वेंस समझना मेरे दोस्त ग्रुप डिजाइड ये क्वेश्चन आपके पास हो गया अब यहां पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए सर कि बताओ सिक्स्थ नंबर सेंटेंस क्या होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि सिक्स्थ नंबर सेंटेंस क्या होगा मतलब सबसे लास्ट में क्या होगा सबसे लास्ट में सेंटेंस क्या होगा और आगे देखिए जब मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि देखो पहले क्वेश्चन पूछेगा कैसे अगर आपके पास दिमाग होगा ना कुछ भी मई करना है कुछ भी नहीं करना है करना क्या है मैं बताऊंगा आपको लास्ट में एट लास्ट बताऊंगा इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखना सिक्स पूछ लिया अब क्या पूछ रहा है अब देखिए क्या पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस शुड बी फोर्थ सेंटेंस चौथे नंबर वाला सेंटेंस क्या होगा देखिए क्या पूछा पहले क्या पूछा थर्ड पूछा उसके बाद क्या पूछा सिक्स पूछा उसके बाद क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त उसके बाद पूछ रहा है कि भाई फोर्थ क्या होगा कुछ समझ में आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं एक एक बात को सर ध्यान से समझने की कोशिश करना यहां तक क्लियर है मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बोल रहा है कि फोर्थ सेंटेंस क्या होगा चलिए बहुत सारे बच्चे थक गए अब आगे देखना डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ है डायरेक्शन में लिख रहा है लास्ट वाले क्वेश्चन देखना विच ऑफ द शुड बी फिफ्थ सेंटेंस फिफ्थ सेंटेंस क्या होगा अब देखिए फिफ्थ सेंटेंस आपसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त फिफ्थ सेंटेंस क्या होगा अब आप देखो एक एक चीज को समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे बनाओगे कि फिफ्थ सेंटेंस क्या होगा फोर्थ सेंटेंस क्या होगा थ्री सेंटेंस क्या होगा तो आप फंस जाओगे करोगे क्या सुन लो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले करना क्या है आपको मान लो सर सेंटेंस मिला ए बी, सी डी ई एफ और आपसे कोई पूछे बताओ इस सेंटेंस को क्या कैसे आप करना है रिअरेंज कैसे करना है सबसे पहले आप क्या कर लेंगे पूरे सेंटेंस को रीअरेंज कर लेंगे क्या कर लेंगे आप रीअरेंज कर लेंगे हम क्या करेंगे हम सबसे पहले मुझे मान लीजिए सर एफ तक क्या करना है जाना है एक दो तीन चार पांच छ एक दो तीन चार पांच छ अब करना क्या है हम सिर्फ इतना पता करते जाएंगे मान लीजिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या हो गया ई हो गया तो हमने फर्स्ट सेंटेंस पे ई लिख दिया हम सारे सेंटेंस को एक बार रिज कर लेंगे हम सारे सेंटेंस को एक बार रिज कर लेंगे मान लीजिए सेंटेंस हमारा बी हो गया हमने यहां पर बी नोट कर लिया है ना यहां पर लिख दूंगा फाइव सिक्स इस प्रकार लिख दूंगा इसके बाद मान लीजिए सर थर्ड सेंटेंस में हमारा ए हो गया मैं ए यहां पे लिख दूंगा फोर्थ सेंटेंस में अगर आपको लगता है कि एफ होगा तो आप यहां पे एफ नोट कर लीजिए अगर फिफ्थ सेंटेंस में आपको लगता है कि डी होगा तो आप यहां पे डी नोट कर लीजिए और अगर आपको लगता है कि इसके बाद हमारा जो सेंटेंस होगा वो सी होगा तो आप यहां पे सी नोट कर लीजिए क्वेश्चन में जैसे पूछे आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में जैसे ही आपसे पूछे कि बताओ फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा भाई हम यहां से अपना सिक्वेंस जैसे बनाए थे हम तुरंत आंसर दे देंगे हम तुरंत आंसर देंगे

पूरे सेंटेंस को ऐसा नहीं कि सर अगर से अगर इसमें से अगर आपसे चार पूछा है तो चार को रीअरेंज कर सकते हैं पांचवें छठे को रीअरेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि पांचवें छठे को अगर रीअरेंज नहीं करोगे तो चार बनेंगे ही नहीं आपसे तो कब सबसे पहले क्या करना है इन सारे सेंटेंस को आपको रीअरेंज करना है इन सारे सेंटेंस को रीअरेंज करेंगे और जब ये सब पूरे सारे सेंटेंस को रीअरेंज करेंगे तब पता चलेगा कि टू तो में क्या पूछा गया है वन में क्या पूछा गया है फाइव में क्या पूछा गया है फोर में क्या पूछा गया है और थर्ड में क्या पूछा गया है ये बात आप समझिए यहां तक सबको सर समझ में आ गया अब आइए समझिए जरा। हम आते हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन में क्या था मेरे दोस्तों ध्यान देना क्वेश्चन में क्या था कि फिफ्थ नंबर वाले सेंटेंस क्या होंगे फिफ्थ नंबर वाले सेंटेंस क्या होंगे एक क्वेश्चन हमारा यह पूछा गया है फिर क्वेश्चन क्या है यार फिर उसके बाद देखिए यहां पे क्या लिख रहा है फोर्थ सेंटेंस क्या होगा फोर्थ नंबर सेंटेंस क्या होगा यह पूछा गया है कि फोर्थ नंबर सेंटेंस क्या होगा आइए इसके बाद क्या पूछ रहा है इसके बाद आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट सेंटेंस क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त कि लास्ट सेंटेंस क्या होगा आपको यह पूछा जा रहा है तो लास्ट सेंटेंस क्या होगा आपको यह बतलाना है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या पूछ रहा है कि लास्ट सेंटेंस क्या होगा आपको यह बतलाना है आगे चलिए इसके बाद क्या पूछ रहा है ट्वेल्व क्या है कि भाई थर्ड सेंटेंस क्या होगा आपको यह बतलाना है क्वेश्चन नंबर थर्ड सेंटेंस क्या होगा आपको यह बतलाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस शुड बी थर्ड थर्ड सेंटेंस क्या होगा आपको यह बतलाना है ठीक है तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा और देखिए लास्ट में सबसे पहले क्या बोल रहा है सबसे पहला सेंटेंस था कि भाई फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा तो फर्स्ट हमने चूज कर लिया कि फर्स्ट क्या होने वाला है मेरे दोस्त तो फर्स्ट क्या होने वाला है एफ होने वाला है फर्स्ट क्या होने वाला है एफ होने वाला है मैं कुछ हिंट कर देता हूं मैं कुछ हिंट कर देता हूं जो क्वेश्चन पूछा गया उसका मैं आंसर कर रहा हूं बाकी आपको सीक्वेंस तैयार करना है बाकी आपको सीक्वेंस तैयार करना है ठीक है चलते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा मेरे दोस्त फर्स्ट सेंटेंस जो पूछा गया है इसका सीक्वेंस हम लोग चेक कर लेते हैं और अच्छे से देख लेते हैं मैं कुछ हिंट कर दे जाता हूं मैं लास्ट सेंटेंस बता रहा हूं लास्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा या फिफ्थ सेंटेंस में बता रहा हूं फिफ्थ सेंटेंस आपका डी होगा क्या हुआ फिर से मैं हिंट कर रहा हूं हिंट कर रहा हूं कुछ आप सभी दिमाग लाओगे तब सीखोगे हो सकता है कि आज नहीं बल्कि कल कंप्लीट हो कुछ नए क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो लेकिन सीखना है कैसे सीखना है मैं सु... ये क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है मुझे सिखाना है बस एक दो तीन चार पांच छ ये कर दिया मैंने आपको पता है कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा फर्स्ट सेंटेंस हमारा एफ हो गया मैं हिंट कर रहा हूं आपको मैं बोल रहा हूं कि फिफ्थ सेंटेंस क्या होगा डी होगा फिफ्थ सेंटेंस क्या होगा डी होगा चलिए अब इतना हिंट कर रहा हूं मैं इसके पहले भी तुम हमसे पूछोगे भाई फोर्थ सेंटेंस क्या होगा फोर्थ सेंटेंस आपका ई होगा फोर्थ सेंटेंस क्या होगा ई होगा अब तीन मैंने कर दिया तीन आपको करना है तीन मैंने किया है तीन आपको करना है फर्स्ट सेंटेंस एफ है ना फर्स्ट यहां पे सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स ये क्वेश्चन है क्वेश्चन को बस मैं ला देता हूं क्वेश्चन आप सभी ने देखा ही होगा ये है आपका क्वेश्चन ये सीक्वेंस नोट कर लीजिए आप सीक्वेंस आप सबसे पहले नोट कीजिए चलिए देखिए टाइम नहीं है मैं ज्यादा समय आपको नहीं दूंगा पर मैं आंसर बता देता हूं जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन का आप आंसर नोट कर लीजिएगा मैं बताता हूं और क्या करेंगे अगर टाइम अगर आपको है अगर बाद में अगर टाइम मिलता है तो उस टाइम के आधार पर आप जरूर देखेंगे ठीक है इस टाइम के आधार पर आप जरूर देखने की कोशिश करेंगे मैं आपको आंसर बता रहा हूं मेरे दोस्तों आप सभी को और देखना मैं ऐसे क्वेश्चन डेली करवाऊंगा आपको ऐसे क्वेश्चन अभी हो सकता है कि देखो थोड़े से अभी आपके पास आए होंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ दस परसेंट सिखाया है क्या करने के लिए सिर्फ यह सीखने के लिए कि भाई फर्स्ट सेंटेंस कौन कौन हो सकता है हमने ये सिर्फ यह सिखाया है। तो अभी तीन चार क्लास लगेंगे ऐसे ऐसे तीन चार क्लास आपको लगेंगे तो मैं पहले ही बोल रहा हूं आप यह मत सोचिए कि मुझे पहले ही दिन सब कुछ सीख जाए एक दिन में हमारा सर क्लियर हो जाए अरे भाई नंबर नंबर का का सवाल है। फाइव का सवाल है है एक दिन में कैसे सीख जाओगे है ना थोड़ा सा सर समझने की कोशिश करेंगे फाइव नंबर का सवाल है और अगर आप दस नंबर ले चलाए अगर आप दस नंबर ले चले आए भाई आप तो ऐसे एग्जाम क्रैक कर जाओगे भाई इसमें आपका पास मार्क हो जाएगा पांच यहां से बना दिए पांच किसी तरह से और अगर बना दिए तो आप पास मार्क हो जाएगा आपका तो मैं क्या कर रहा हूं इस पांच नंबर के लिए आपको पांच सात दिन और लड़ना है अभी आपको और अभी जूझना है ठीक है तो अभी क्या सीखा इस कॉन्सेप्ट को जहां तक अभी आपको बताया सारे बात क्या करेंगे आप कॉपी में पहले नोट करेंगे सारे बात को नोट करेंगे और आपको एक एक कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा आपको यह बतलाऊंगा कि हां सी जो है फर्स्ट सेंटेंस कैसे हो गया मैं बताऊंगा कि बताओ एफ जो होगा फर्स्ट सेंटेंस कैसे हो गया मैं बताऊंगा कि क्यों बीथ दिस डिजायर में और देखिए तो ए ग्रुप ऑफ डिजायर में क्या कोई रिलेशन नहीं होगा आपको क्या लगता है कि ये डिजायर्ड वर्ड, वर्ड में और यहां पे एक डिजायर्ड वर्ड लिखा हुआ है क्या कोई रिलेशन नहीं होगा एकदम रिलेशन होगा ठीक है तो एक एक बात को समझिए जैसे यहां पे दे लिखा हुआ है अरे भाई दे किसी के लिए तो यूज किया गया होगा यहां पे इंजीनियर्स लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स तो पहले ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स आएगा पहले दे आएगा इसका मतलब जरूर सी जो होंगे डी के पहले होंगे ए ग्रुप ऑफ डिजायर क्या लिख रहा है सर यहां पर ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स लिख रहा है ऑल एलमनी लिख रहा है तो यह वर्ड को समझिए ये यह जरूर कहीं ना कहीं सी जो पार्ट होंगे ये डी के क्या होंगे पहले होंगे क्योंकि यहां पे दे यूज किया गया है तो ये सारे वर्ड ये सब सारे वर्ड क्या करेंगे आपको कुछ ना कुछ, ने कुछ ने इंडिकेट करेंगे ठीक है अब दी क्रिएटेड ए सॉल्यूशन सोल्यूशन की बात कर रहे हैं यहां पे क्वेश्चन की बात कर रहा है यहां पर क्वेश्चन किया गया यहां पे कह रहा है एक सॉल्यूशन है क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा तो रिलेशन होगा तो इन सारे बात को धीरे धीरे सीखेंगे ठीक है आप एक ही दिन तो नहीं सीख जाओगे हर घर के पीछे के रिलेशन होगा जैसे यहां पर देखिए यहां पर देन यूज किया गया है देन टीचर कैन एक्ट है ना ऑन द डाउनलोडेड डाटा रेदर देन कलेक्ट इट अरे भाई किसकी बात कर रहा है the क्यों टीचर क्यों द टीचर कैन एक्ट तो है, डाउनलोडेड डाटा तो है कर टीचर उसके बाद क्या किया क्या कर सकता है डाउनलोडेड डाटा पर क्या कर सकता है एक्ट कर सकता है तो इसका मतलब इसके पहले कुछ तो होगा है ना इसका मतलब कुछ तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन की बात कर रहा होगा ये रिलेशन कैसे क्रिएट होगा सीखेंगे धीरे धीरे स्क्रीन अच्छा, शूट लेना है अच्छे से आप स्क्रीन शूट ले लो मैं आपको सर इसमें मना नहीं करूंगा दिस इज योर क्वेश्चन स्क्रीन शूट जो बच्चे लेना चाहते हैं मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं नहीं बड़ा नहीं करूंगा ये बड़ा करूंगा क्वेश्चन कट कर जाएगा और देखो करना क्या है आप सभी को जितने भी स्टूडेंट आज क्लास कर रहे हैं सिक्वेंस में मुझे बतलाना है कोशिश कीजिएगा एक बार एक बार कोशिश कीजिएगा और मुझे बतलाएगा मैंने तीन पार्ट आपको बतला दिया है ना बाकी तीन बतलाना है कि सेकेंड नंबर में क्या होगा आपको बताना है कि थर्ड नंबर में क्या होगा और लास्ट नंबर में क्या होगा मैंने वन बतला दिया है फोर्थ बतला दिया है और फाइव बतला दिया है तो आप, आप स्क्रीन शूट करना चाहते तो कर लीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आप सभी का कमेंट का कमेंट आंसर मैं जरूर रिप्लाई करूंगा ठीक है तो मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर में रिप्लाई करते हैं किन लोगों ने कोशिश किया है और जो लोग कोशिश कर करेंगे वही क्या करेंगे इस मुकद्दर को आप हासिल कर पाएंगे जो बच्चा कोशिश करेगा जो बच्चा मेहनत करेगा वही रिजल्ट पा सकता है अन्यथा कैसे रिजल्ट पाओगे आप तो मेरे दोस्तों एक बार जरूर बोलूंगा ऐसे ऐसे क्लास भी बहुत सारे चलेंगे तो पांच नंबर का सवाल है मेरे दोस्त एक बार तुमने सीख लिया अच्छे से फाइव नंबर आपके मुट्ठी में मान लीजिए गलत भी हो गया तो फोर नंबर आपके मुट्ठी में ठीक है और ये पता है ऐसे पार्ट होते हैं ना कि एक बार सीख जाओगे ना पांच का पांच सही करके आओगे पांच का पांच सही करके आओगे कुछ है ही नहीं क्योंकि इसका क्वेश्चन का आंसर इसी में छुपा हुआ है इसमें कुछ नहीं पढ़ना है अलग से आपको कर देखो दे कैन इवन सबमिट देम डिजिटली यूजिंग द सेम टैबलेट द टीचर इन टर्न कैन डाउनलोडेड अब देखो यहां पे कैन डाउनलोड यहां भी लिख रहा है यहाँ पे भी लिखा हुआ है सर कि कैन डोनलोडेड देखो समझना एक को समझना रिलेशन पकड़ लोगे मेरे भाई देखो क्या क्या फिर में पढ़िए है है ना ना हो सर सर्विस कुछ तो रिलेशन है या तो बी पहले या तो डी पहले या तो बी पहले या तो डी पहले बी डी तो एक साथ लगभग आने वाला है है ना बी डी तो एक साथ लगभग आने वाला है और मैं हिंट कर दू मैं हिंट कर देता हूं पहले डी आएगा तब बी आएगा लीजिए एक हिंट और कर देता हूं मैं एक हिंट कर दिया कि पहले डी आएगा तब बी आएगा लीजिए लास्ट आपका यह भी क्लियर हो गया क्योंकि फिफ्थ नंबर में आपको क्या बताया था फिफ्थ नंबर में बताया था कि डी होगा तो बताओ सिक्स्थ नंबर में क्या होगा सिक्स्थ नंबर में बी होगा ये भी आपको क्लियर कर दिया अब आपके पास दो बचा है कि टू नंबर में कौन होगा और थर्ड नंबर में कौन होगा ये आपको आंसर करना है ठीक है देखो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त अगर सीखने की कोशिश करोगे थोड़े से सर प्रॉब्लम होंगे मुझे पता है इतना जल्दी सीख नहीं पाओगे पर कोशिश करोगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ठीक है थैंक यू सो मच माई फ्रेंड्स थैंक यू सो मच लव यू ऑल बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे फिर मिलते हैं तुरंत सर तुरंत जस्ट क्लास है हमारी सीपीओ की तो सीपीओ की क्लास में मिलते हैं थैंक यू लव यू बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे